मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बेंगलोर में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं बेंगलुरु आया हूं। आईटी सेक्टर, एनर्जी और माइनिंग जैसी बड़ी संभावनाओं वाले सेक्टर के निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया है। हम प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों की हर संभव मदद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में हमारी यह पहचान भारत की उद्यमशीलता, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और व्यावसायिक निपुणता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसी भाव से कार्य कर रही है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का इच्छुक है उसे प्रोत्साहन स्वरूप उपयुक्त सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है, सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिल करके बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया।